गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस हैं उनके साथ। और साथ में आज हम फाइव ऐसे भी क्वेश्चन आपको बताएंगे जिनका कि आंसर आपको हमें हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा, और हम इनको फिर कल की जो वीडियो होगी उसमें इनके आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आज के क्वेश्चंस पर आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है, पॉन्टिंग ग्लेशियर स्थित है, पॉन्टिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो यह है पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के प्रथम आयुष ग्राम की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो जो राज्य का प्रथम आयुष गांव है वह नैनीताल में भवाली गांव है, वह राज्य का प्रथम आयुष गांव बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपिन और रुपिन किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो जो ये सुपिन और रुपिन सहायक नदियाँ हैं, ये हैं टोंस नदी की सहायक नदियाँ। जो सुपिन है वह बंदरपूंछ के उत्तरी ढाल पर जो स्वर्गारोहणी हिमनद है वहाँ से निकलती है, जबकि जो रुपिन जो नदी है वह डोडरा कवार है हिमाचल क्षेत्र में, वहाँ से यह नदी निकलती है। तो जो टोंस नदी है उसको तमसा नदी भी कहते हैं। और इस नदी के बारे में एक किंवदंती भी है कि यहाँ पर जब महाभारत युद्ध हुआ था तो वहाँ पर कौरवों की हार हुई थी, और दुर्योधन की जब मृत्यु हुई थी तो उसके पश्चात वहाँ के लोग इतना रोए थे कि उनके रोने के पश्चात यह नदी वहाँ से निकली है। यह एक केवल किंवदंती है। तो यहाँ के जो लोग हैं वे खुद को कौरवों का वंशज मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड स्थित है, यह कहाँ स्थित है? तो यह ऋषिकेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानक सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह है नंदौर नदी पर स्थित, और यह उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यह है उत्तरकाशी, जिसका कि जनघनत्व है 41 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर रहते हैं, जबकि जो सर्वाधिक जनघनत्व है वह है हरिद्वार का, वहाँ पर 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर हरिद्वार में रहते हैं। अगर बात की जाए पूरे उत्तराखंड के जनघनत्व की तो वह है 189 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, तो 189 लोग रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर। और देश में जो है वह 25वां स्थान है उत्तराखंड का जनघनत्व की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद्रवंशी राजा ने अल्मोड़ा नगर को बसाया था? तो वह चंद्रवंशी राजा था भीष्म चंद, जिसने कि 1530 ईस्वी में अल्मोड़ा नगर को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषिकेश किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ऋषिकेश गंगा और चंद्रभागा जो नदियां हैं उनके संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रांची स्टेडियम किस जिले में स्थित है? नाम है रांची स्टेडियम, यह सर्वाधिक हाइट पर स्थित है, तो यह है पौड़ी जनपद में स्थित, तो हम इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी जिले के चंबा नगर में किसकी स्मृति में मेले का आयोजन होता है? तो यह होता है विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह नेगी जी की स्मृति में। इनके बारे में और अधिक जानने के लिए हमने इन पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के इनकी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरिंद वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो कुरिंद वंश के जो शासक थे वे ज़्यादातर बौद्ध धर्म को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में दीपावली को ठीक एक महीने पश्चात मनाने की परंपरा है? वहाँ पर जिसे हम दीपावली मनाते हैं नॉर्मली, तो वहाँ पर दीपावली मनाने की वो लोग एक महीने के बाद दीपावली को मनाते हैं, तो वह है जौनसार क्षेत्र में। वहाँ पर जो जौनसारी जनजाति है वह एक महीने के पश्चात दीपावली को मनाती है, वहाँ पर ऐसी परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागनाथ मलेनाथ किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो वह हैं राजी जो जनजाति हैं उनके प्रमुख देवता हैं बागनाथ और मलेनाथ देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा 1962 में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना टिहरी में की गई थी? तो वे थी कमलेंदु मती साहा जी, इनके इन्होंने 1962 में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना टिहरी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बैजनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो यह किया था कत्यूरी राजवंश ने। हाट कालिंका मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो यह पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित है। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं हाट कालिंका और गंगोली हाट, ठीक है? तो यह गंगोली हाट पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गीत जो विरह तथा वर्षा ऋतु पर आधारित है, विरह मतलब होता है दुख या बिछड़ना, तो यह किस पर आधारित है? वह गीत है चौमासा, बारहमासा इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनाड़ को शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है? तो जो मुनाड़ आभूषण होता है उसको कान पर धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध परियोजना की क्षमता कितनी है? तो यह है 400 मेगावाट। जो कोटेश्वर बांध परियोजना है, वह जो टिहरी बांध परियोजना है उसका एक अभिन्न अंग है। तो जो हमारे टिहरी बांध परियोजना है वह उसकी जो क्षमता है वह है 2400 मेगावाट। तो इसी 2400 मेगावाट में यह कोटेश्वर बांध परियोजना भी है। तो जो यह कोटेश्वर बांध परियोजना है इसकी जो इसका जो डैम बना हुआ है उसकी हाइट है 97.5 मीटर की इसकी हाइट है और यह एक कंक्रीट डैम है। तो यह टिहरी बांध से लगभग 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पर यह बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गढ़वाली भाषा के पत्र रंत रैवार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो यह हुआ था देहरादून से। तो आज के यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यह आपके लिए होगा और आप इनके आंसर्स को हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। फिर हम इनके सही आंसर्स को कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके लिए पहला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, कि पहाड़ों का राजकुमार किसे कहा जाता है? पहाड़ों की रानी तो आपने सुना होगा, लेकिन पहाड़ों का राजकुमार किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़। तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, अधिक से अधिक संख्या में देना है। और फिर आपके नामों को हम अगली वीडियो में घोषित करेंगे। जो आप जितने भी आंसर्स के जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वे सही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कुमाऊँ का मोहम्मद बिन तुगलक किस शासक को कहा जाता था? तो ऑप्शन है ज्ञानचंद, देवीचंद, रूपचंद और रुद्रचंद। तो इसका आंसर भी आपको हमें देना है हमारे कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि घाटी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है ऋषिकेश, टिहरी, पौड़ी और चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून के रघुनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आपके पास ऑप्शन है जगदीश जोशी, मानवेंद्र शाह, दौलत राम सिंधिया और राजा राम सहाय, ठीक है? तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आपको इनके आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में देने हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन है टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी और चमोली। तो आपको क्या करना है, कमेंट में सिर्फ आप अपने जो आंसर्स हैं उनको ए बी सी डी इस तरह से आप लिख सकते हैं, या फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, इस तरह से जो भी है आप अपने ज़रूर अधिक से अधिक संख्या में अपने आंसर्स जो हैं वे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इससे आपकी जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वह हो जाएगी और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से हो पाएगी। तो दोस्तों हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।